दोस्तों यहाँ पर आप लाइव देखो, हमारा यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है और इसकी यहाँ पर 4 किस्तें हैं। 1 जनवरी 2024 वाली 25,000 रुपए की जो किस्त है वो हमारी पेड दिखा रहा है, मतलब हमने पे कर दी है। 1 फरवरी 2024 को हमारी सेकंड किस्त आई थी जो कि 25,000 रुपए की थी, वो भी हमने यहाँ पर पेड मतलब पे कर दी है। अब जो थर्ड किस्त है वो 1 मार्च 2024 को आएगी 25,000 रुपए की, और फोर्थ जो किस्त आएगी वो 1 अप्रैल 2024 को आएगी 25,000 रुपए की, जो कि अपकमिंग दिखा रहा है। 1 मार्च को हम यहाँ पर थर्ड किस्त पे कर देंगे और 1 अप्रैल को हम यहाँ पर फोर्थ किस्त पे कर देंगे। आज के जमाने में आपको लोन तभी लेना चाहिए जब आप लोन की जो किस्तें हैं, लोन का जो पैसा है, उसको टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर पाओ। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने शौक पूरा करने के लिए मजाक मजाक में लोन ले लेते हैं और उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनका जो लोन होता है, अप्रूव्ड जो लोन होता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। वो अगर 1,000-2,000 का लोन लेते हैं, अगर उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो उनका 1,000-2,000 रुपए का जो लोन है वही उनका 5,000 या फिर 10,000 रुपए का हो चुका होता है। इसके अलावा आपके सामने बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है और इधर उधर हर तरीके से हाथ पैर मारने के बावजूद भी कहीं से भी अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो ही आपको लोन लेना चाहिए। नहीं तो आप लोन के बजाय अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर से पैसा उधार मांग सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको यही करना है। सेकंड में अगर आपको यहां से पैसा नहीं मिलता है तो आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है आपको उस वाले बैंक से लोन के लिए ट्राई करना है। अगर आपको वहां से भी लोन नहीं मिलता है तो ही फिर आपको यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप यह सोचकर ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो कि ऑनलाइन लोन बहुत सस्ता मिलता है तो आप इस बात को भूल जाओ। ऑनलाइन लोन जितने भी मिलते हैं वो सारे बहुत ही महंगे होते हैं। अगर आपको भी इसी तरीके की कोई इमरजेंसी आ गई है, कहीं से आपके पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा है, आपको तुरंत के तुरंत आज के आज अप्लाई करते ही 10-15 मिनट के अंदर लोन चाहिए, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक NBFC एंड RBI रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जिससे आप अप्लाई करते ही 500 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी इंस्टेंट लोन ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले लोन की जो पूरी डिटेल्स है वो आपको पहले अच्छे से समझनी है और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले लोन की जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर आप 10,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको लोन लेने पर जो टाइम लगता है वो आपका यहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट लगता है। 5 मिनट के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो लोन आप लेते हो उसका रिपेमेंट करने का जो आपको टाइम मिलता है वो आपको यहाँ पर 91 डेज से लेकर 120 दिनों का मिलता है, मतलब 3 महीनों से लेकर 4 महीनों का दिया जाता है। इसके अलावा पूरा का पूरा यहाँ पर जो पेपरलेस प्रोसेस है, इसके अलावा यहाँ पर फोरक्लोजर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब आप यहाँ पर लोन लेते हो 4 महीनों के लिए आपने लोन ले लिया और आपके पास अगर 1 महीने के अंदर ही लोन को पूरा चुकाने का पैसा आ गया तो आप 1 महीने के बाद ही आप पूरे पैसे को वापस चुका सकते हो, आपका कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा इस वाले लोन को लेने के लिए कोई भी गारंटर की और कोलेटरल आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन और कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं की जाती है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगता है वो 36.5%, मतलब लगभग 36.5% पर एनम आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत ही महंगा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोन आपको महंगा मिलेगा, तो आपको अगर इमरजेंसी है, सख्त आपको पैसों की जरूरत है, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है तो ही आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फीस एंड अदर एप्लीकेशन फीस जो आपकी लगती है, जो स्टार्ट होती है वो 6.5% से स्टार्ट होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो चार्ज लगता है वो 1% लगता है। 200 रुपए जो है वो यहाँ पर आपकी कन्वेंस फीस लगती है। बाउंस चार्ज आपके यहाँ पर 500 रुपए लगता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 महीनों के लिए लोन लिया और 1 महीने की आपने यहाँ पर टाइम पर पेमेंट कर दिया और दूसरे महीने का आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए और आपकी जो किस्त है वो बाउंस हो गई, तो यहाँ पर आपका जो बाउंस चार्ज लगेगा वो 500 रुपए लगेगा। और यहाँ पर पेनल्टी वगैरह भी बहुत चार्ज की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप लोन लें
तो उसकी टाइम टू टाइम आपको यहां पर किस्तें पे करनी है। जैसे हर महीने की 1 तारीख को अगर आपकी किस्त आती है तो 1 तारीख को आपकी किस्त जमा हो जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ स्टेबल इनकम आनी चाहिए, मतलब आपका जो अकाउंट है उसका जो ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट का वो बढ़िया होना चाहिए, आपकी जो एज है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर पर मंथ 20,000 रुपए की हर महीने सैलरी आनी चाहिए, मतलब इनकम उसमें पैसा दिखना चाहिए कि हर महीने 20,000 रुपए अकाउंट के अंदर आ रहा है। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, इसके अलावा बैंक अकाउंट चाहिए जिस वाले बैंक अकाउंट में आप अपना यहाँ पर इनकम दिखाओगे। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है लोन का कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 30,000 रुपए का लोन लेते हो और 30,000 रुपए पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 36.5% लगता है तो पर डे आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगा वो 0.1% लगा, और यहाँ पर आपको जो 30,000 रुपए का लोन है वो अगर 4 महीनों के लिए दिया जाएगा तो टोटल आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा वो यहाँ पर 3600 रुपए लगेगा। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 1%, प्रोसेसिंग फीस 6.5%, ऑनलाइन कन्वेंस फीस और रिस्क असेसमेंट फीस जो आपकी टोटल लगेगी वो 2650 रुपए लगेगी। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के 2650 रुपए लगेगा। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 2650 रुपए आपका चार्ज के रूप में कटेगा, तो आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो 30,000 में से 2650 रुपए कम होके 27,350 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा आप यहां पर जो लोन लोगे वो आपका 30,000 रुपए का होगा और 4 महीनों के अंदर आपको अपने लोन का जो रिपेमेंट करना होगा वो आपको यहां पर 33,600 रुपए करना होगा। तो यहां पर आप पहले लोन को अच्छे से समझ लो कि यहां पर इंटरेस्ट रेट वगैरह आपका कितना लगेगा, कहीं महंगा तो नहीं है, महंगा है तो आपको यहां से लोन अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं लोन ले लूंगा तो मेरी चुकाने की औकात है, मैं लोन को वापस चुका सकता हूं, जितना मेरे से लेगा उसको टाइम पे टाइम मैं पे कर सकता हूं, तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपको यहां पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे ये आपसे कुछ आपकी परमिशन वगैरह मांगेगा, आपके कॉन्टेक्ट की, आपके फोन की, लोकेशन की, SMS की, आपको यहां पर सभी परमिशंस को अलो करना होगा, क्योंकि परमिशन आपको अलो करना जरूरी है तभी यहां पर आगे का प्रोसेस बढ़ पाएगा, तभी आपको लोन मिल पाएगा। और अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी भी मजबूरी है कि आपको लोन लेने के लिए ये सारी परमिशन अलो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको यहां पर ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, अब आपको यहां पर लोन लेने के लिए ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपकी कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर कुछ स्टेप्स कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद आपको अपना KYC वेरिफिकेशन करना है जिसमें आप अपने आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और आप अपनी फोटो डालेंगे, उसके बाद आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं, आप कहां पर जॉब करते हैं, आपका खुद का कोई धंधा है या फिर आपकी कौन सा जॉब वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में बतानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका सैलरी वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और जिस वाले बैंक अकाउंट में आपकी हर महीने सैलरी आती है या फिर जिस वाले बैंक अकाउंट में आपका ज्यादातर ट्रांजेक्शन होता है, इनकम को आपको सेव करना है, वो वाला बैंक अकाउंट आप यहाँ पर दिखाओगे। उसके बाद आपका जो रेसिडेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं, वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो और जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा, कितने महीनों के लिए आपको लोन मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद जितने महीनों के लिए आपको लोन लेना है, जिस हिसाब से आपको लोन लेना है उस हिसाब से आपको सारी चीजें कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगी। अब आपको अपने हिसाब से लोन अप्लाई कर लेना है, और जैसे ही आप लोन अप्लाई कर लोगे उसके बाद फाइनल में आपको यहाँ पर ईमेंडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईमेंडेट रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा लोगे लोन का और जिस भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पर ईमेंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए सेटअप करोगे, हर महीने उसी वाले बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी किस्तें कट होती रहेगी। जैसे आप 3 महीनों के लिए लोन लोगे तो हर एक महीने के अंदर आपके अकाउंट से 3 महीनों तक लगातार आपकी किस्त कट होती रहेगी। आपको अपने
अकाउंट के अंदर हर महीने अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे हर महीने आपकी 5,000 रुपए की किस्त आएगी, तो 5,000 रुपए हर महीने की 1 तारीख से पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर डाल देने हैं, या फिर जिस भी डेट को आपकी यहाँ पर किस्त आएगी वो डेट आपको यहाँ पर अप्लाई करते टाइम बता दी जाएगी, उस डेट से पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट करते ही जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे, तुरंत के तुरंत जितना भी लोन अमाउंट आपने सेलेक्ट किया होगा वो इंस्टेंटली पलक झपकते ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो लोन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको सख्त जरूरत है, इंस्टेंट आपको पैसा चाहिए और कहीं से अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपने हाथ पैर मार लिए हैं और मरने वाली सिचुएशन आ पड़ी है, तो ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, नहीं तो आपको लोन से हमेशा बचना ही है।